नमस्कार, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा मध्य प्रदेश। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जिन बच्चियों ने पीएनएसटी 2021 का एग्ज़ाम दिया था तो उसकी डीएमई कॉलेज की तो काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन डीएचएस की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में बच्चियों द्वारा एक पिटीशन लगाई गई थी, दीपा वर्सेज मध्य प्रदेश, और आज इसकी जो है वो सुनवाई डेट थी 12 जून 2023। तो आज सुबह से ही बच्चियों के फ़ोन आ रहे हैं, हमारे मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं कि सर आज डीएचएस काउंसलिंग 2021 की माननीय हाई कोर्ट में डेट थी तो क्या हुआ। तो थोड़ा सा निराशा हुई है आज, और जैसा कि संदेह रूप से आज पेशी थी, तो जैसा कि हाई कोर्ट में होता है कि मुकदमों की संख्या काफ़ी होती है, तो पेशी के दिन उनकी जो है लिस्टिंग होती है, और इस लिस्टिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मामलों की जिनकी डेट भी होती है उनकी कोई अगली डेट मिल जाती है। तो अभी तक जो 7 बज रहे हैं, तो अभी तक की स्थिति में जैसा कि हमने संपर्क किया अपने वकील महोदय से, तो ये जानकारी मिल रही है कि अभी हम लोगों का मामला जो है लिस्टेड नहीं हुआ है, और रात तक जो है कुछ लिस्टेड हो करके या तो सुनवाई की कमी उम्मीद है, ये हो सकता कि नियर अबाउट कोई इसकी पेशी दी जाए तो बच्चियों में थोड़ा सा निराशा हो सकती है, लेकिन अपना बिल्कुल धैर्य ना खोएं। इसका जो भी है फैसला हमारे पक्ष में होगा ऐसा लग रहा है हमको, तो 2-4 दिन की हमको डेट मिल सकती है, तो उस डेट का हम इंतज़ार करें। और आज हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, आशा तो मैं सुबह से कर रहा था कि आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा निराश हूँ कि आज अपने मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। तो या तो कोई अगली अपन को नियर अबाउट कोई डेट मिलेगी तो उस डेट को आशा करते हैं कि फैसला अपने पक्ष में आएगा। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ और बता दें बच्चियों को कि बहुत सारी बच्चियाँ जो DSS काउंसलिंग 2021 का वेट कर रही हैं, तो उन्होंने जो है वो PNST 2022 का फॉर्म डाल रखा है, और इसका एग्ज़ाम जो पहले आपका जून माह में 8 जून को होना था उसका एग्ज़ाम डेट बढ़ करके अब 7 जुलाई हो गई है। तो अभी उनके पास समय है, तो DSS की काउंसलिंग की वेटिंग के साथ साथ वो उस एग्ज़ाम की पूरी मेहनत से तैयारी करें। और आपके सभी के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करते हुए अगले वीडियो तक आप लोगों से विदाई लेता हूं। जल्द ही DHS के बारे में कुछ न्यू अपडेट लेकर के मैं अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।